डाकुओं को भला आदमी बना देता है कि हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गौरी अरमान, प्रेयर मॉर्निंग मैम। स्टार्ट करो बेटा, प्रेयर स्टार्ट करो। अरमान प्रेजेंट है बेटा? हेलो हेलो हेलो। जीवाणी गाजी, यस हाँ चलो बेटा प्रेयर स्टार्ट करो। मैम। बोली अरमान करो पहले। यस हाँ ओके, चलो तो तुम शेयर करो बेटा। मैम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अर्रहमान रहीम। मालिक यौमिद्दीन। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ओके चलो, तो अब तक हम सेम टू के लेसन नंबर 9 और 10 समझ चुके और पढ़ चुके। तो अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन नंबर 11 की ओर। तो हमारा लेसन नंबर 11 जो है वो कौन सा लेसन है? वो है एक आप जैसा छोटे से बच्चे के ऊपर। यहाँ पर हमें एक लेसन दिया गया है जो सच्चा बालक है। कैसा बालक है? बालक तो है ही, लेकिन बालक जो है उसे हमेशा खुदा ईश्वर का रूप माना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तब उसमें कोई छल कपट स्क्रीन नहीं होता। यस बेटा, नहीं दिख रही, तुम नहीं दिख रहे हैं? ओके तो ना, तो है वो ईश्वर के रूप माने जाते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये नहीं भी यहाँ पर ऐसे ऐसे ही एक छोटे बच्चे के बारे में एक जीवन प्रसंग दिया गया है। तो बेटा स्क्रीन तो शुरू ही है, किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? हेलो बॉयज, मैम हेलो। बुक नहीं दिखाई दे रही। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, दिखाई दिया बेटा? हेलो बॉयज, यस मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही बेटा? आपकी हेलो। स्क्रीन बहुत अच्छी हाँ दिखाई है। क्या हो रहा है? आपकी स्क्रीन दिखा रही है। हेलो, स्क्रीन तो शुरू ही है बेटा। अरमान हेलो, यस मैम, अब दिखाई दे रही है बेटा? अब यस दिखाई दे रही है स्क्रीन? मैम, ओके चलो, तो हमें यहाँ पर ऐसे ही एक छोटे यस मैम, छोटे बच्चे मैं के मैरिड छोटे करूं। बेटा ये बोल रही हूँ ना बाद में। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई बहुत आया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पर जो मनुष्य अपने आवेशों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। तो पहले मैं इस लेसन का सार रीडिंग करना। ओके हेलो बॉयज, हेलो यस ओके। तो ओके, यस एक समय की बात है, एक बड़ा काफिला जो है वो बगदाद की ओर जा रहा था।
और रास्ते में डाकू डाकू उन सब उन पर टूट पड़े। कौन किसके पर टूट पड़े? उस काफिले ऊपर। काफिले का मतलब क्या होता है? कि यात्रियों का समूह यानी ग्रुप। तो बाद में सब डाकू जो है वो उस काफिले पर लूटपाट करने लगा और उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो वह एक और चुपचाप से खड़ा रह गया और सभी लूटपाट को देखता रह गया। बाद में एक डाकू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और उस लड़के के पास आकर डाकू कठोरता से बोलता है, तेरे पास कुछ है क्या? उस बच्चा जो है वो सही बता देता है, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया का मतलब होता है सोना मोहरे। डाकू चकित हो गए और कहने लगा, ये क्या कह रहा है, तेरे पास 40 अशरफिया है? तो बच्चा कहता है, जी हाँ मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू ने उस बच्चे का हाथ पकड़ने कर उस वो अपने सरदार के पास ले गया, यानी अपने मुखिया के पास ले गया और सरदार से उसने कहा कि इस बच्चे के पास 40 अशरफिया है यानी सोना मोहरे है, ये बच्चा ये बता रहा है। सरदार कहता है उस बच्चे को, तेरी सोना मोहरे कहाँ है? तो बच्चा जो है वो अपनी सदरी फाड़ कर सोना मोहरे निकालता है और सरदार के सामने रख देता है और कहता है कि ये लीजिए। तो बाद में सरदार जो है वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और उस बच्चे को सोना मोहरों ने को इस तरह रखने का उपाय किसने बताया था? सरदार ने पूछा कि तूने इस सदरी में सोना मोहरे रखी थी, तो ये इस तरह सोना मोहरे रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया था? तो लड़का बोलता है कि मेरी माँ ने इस सोना मोहरों को जैकेट के अस्तर में सी दिए थे जिनसे किसी को खबर न पड़े। तो जैकेट के अंदर जो अस्तर आता है ना, उसके अंदर उसने सोना मोहरे रखकर बाद में सुई धागे से सी दिया था। हेलो मैम। यस बेटा। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी भी नहीं प्रेजेंट है बेटा? नो मैम। ओके नो मैम, आपकी स्क्रीन दिख रही है। पेस्टन नहीं हुआ? पेस्टन नहीं बेटा, मैं सार कह रही हूँ, तो पेस्टन कैसे होगा? बाद में पेज टर्न करूंगी जब समझाऊंगी तब। ओके बेटा। हेलो। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि मेरी जैकेट के अस्तर में मेरी माँ ने इस सोना मोहरों को सी दी थी जिनसे किसी को खबर ना पड़े। सरदार कहता है, तो ये सोना मोहरों की पहचान तुमने क्यों करवाई हमें? तुमने क्यों हमें बताया कि तुम्हारे पास सोना मोहरे है? लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हमेशा सच ही बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार कहता है डाकुओं से, ये नन्ना सा बालक अपनी माँ का कहना इतना मानता है कि इस संकट में भी वह झूठ नहीं बोलता है, तो हम तो इतने बड़े होकर भी ईश्वर ने बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे, सबसे लूटपाट कर रहे हैं। तो सभी डाकू कहते हैं कि सरदार आपकी बात सच है। बाद में सरदार कहते हैं अपने डाकुओं से कि जिन जिन लोगों का आपने सामान लूटा है उन सब से वापस इन सबको वापस कर दो, और सारे डाकू जो है वो सभी लोगों को उसका सामान वापस कर देते हैं और एक प्रतिज्ञा भी लेते हैं कि इसके बाद अब हम कभी भी लूट घाट नहीं करेंगे। तो ये सच बोलने वाला बालक कोई और नहीं, उसका नाम था अब्दुल कादिर, जो बड़ा होकर एक महान संत बना और उसकी मजार बगदाद में है और जहां पर बहुत
हर वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो ये सच बोलने वाला बालक कौन था? अब्दुल कादिर था। और वह बड़ा होकर एक महान संत बनता है और जिसकी समाधि बगदाद में है और वहां पर हर साल बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ओके, चलो तो अब इस लेसन को हम रीड करते हैं। मोहम्मद जैद प्रेजेंट। हाँ चलो रीड करो बेटा। हाँ रीड करो। एक समय की बात है। हाँ, लंबा काफिला। मोहम्मद जैद रीड करो बेटा। मैम मुझे हिंदी नहीं आता। तो घर पे प्रैक्टिस करते हो बेटा? हिंदी रीड करने की प्रैक्टिस करते हो बेटा? तो वर्णमाला की रिटर्न प्रैक्टिस करना और उसे बोल कर लिखना ताकि तुम्हें रीडिंग है जो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बराबर है? ओके अगली बार मैं पूछूंगी। हाँ तुम्हें तुम्हें रीड करना पड़ेगा मोहम्मद जैद। मैं रीड करूं अरमान। हाँ ओके चलो अरमान। यस मैम। एक समय की बात है, एक लंबा लंबा काफिल बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूट मार करने लगे। उस काफिल के एक नौ वर्ष का बालक था। यह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वो डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़का, मेरे पास 40 अश्वक्रिया है। अश्वक्रिया है। डाकू चकित होकर क्या कहा? तेरे पास 40 अश्वक्रिया है? लड़का, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़ कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अश्वक्रिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरे अश्वक्रिया कहाँ है? लड़के ने अपने सदरी को काट कर उसमें छुपी अश्वक्रिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार अश्वक्रिया से लड़के अश्वक्रिया को
इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सर्दी के अवसर में सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने अशोक किया का पता हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सिर्फ सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार, डाकू से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हमें लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहे हैं। सब डाकू। सरदार, बता तो ठीक है। सरदार डाकू से इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकू ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान सुन्नत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ओके, चलो बेटा, अब कौन रीड करेगा? हेलो, हेलो, शिवानी गाइस, यस बेटा, कौन रीड करेगा? मैं रीड करूं? आपका नाम बेटा? गाजी, जीवनी गाजी। हाँ, ओके। मैम, कहाँ से करना है? फर्स्ट से बेटा, जैसल स्टार्टिंग में से। एक समय की बात है, एक लंबा किला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर उसके ऊपर लाखों ढूंढ पड़े और उसका काफिले में एक नौ वर्ष का बालक था। वो एक
और जो बड़ा बड़ा रह गए एक समय की इस लड़की लूटमार को देख रहे रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर बड़ी पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू खड़क कर तेरे पास भी कुछ है? लगता मेरे पास 40 अशिया है। डाकू चकित करो लड़का जी हो चकित कर वया कहा यो क्या कहा तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का जी हाँ। डाकू लड़का लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा ये लड़का सरदार सरदार लड़के ने लड़के से तेरी अशरफिया कहा अशरफिया का कही ही कहा है। लड़के ने अपने सदरे फाड़ कर अपने सदरी को फाड़ कर अपने सदरी को फाड़ कर उसमें छुपी अशरफिया निकाली उसने छुपी अशरफिया निकाली उन्हें और सरदार के सामने उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा ये देखो। ओके चलो अगले एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में समझेंगे। ओके बेटा।